नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप सभी दर्शक। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। ने की आज की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। बंगाल से बड़ी खबर, जहां के विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा फैसला आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में कह चुका है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश हो। साथ ही बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपमानना के मामले में मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर को नोटिस भेजा है। अब सवाल ये उठता है कि कोलकाता पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पूछताछ के लिए पेश होना पड़ेगा, वो भी बंगाल के बाहर। तो फिर ममता बनर्जी इस फैसले को अपनी जीत क्यों बता रही है? कैसे ये ममता बनर्जी की नैतिक जीत हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट ने ममता सरकार को, ममता बनर्जी को बड़ा झटका दिया। सीबीआई के सामने पेश होंगे अब पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार, जिनको पेश ना होने के लिए ही वो धरने पर बैठी हुई थी। और उन्होंने कहा कि हर बार सीबीआई आती है और हमारे नेता को उठाकर ले जाती है, अरेस्ट कर लेती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, इसीलिए मैं धरने पर बैठ रही हूं राजीव कुमार के पक्ष में। लेकिन अब एक बार बड़ी हार ममता बनर्जी को लगी है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है, क्योंकि अब सीबीआई के सामने पेश होंगे पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके सामने है। ममता को क्या मिला उसका जवाब, ममता ने क्या दिया उसका जवाब, वो भी आपके सामने है। सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करेगी, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। एफआईआर में राजीव कुमार का नाम नहीं है। राजीव कुमार से पूछताछ में राज्य सरकार को क्या दिक्कत? सुप्रीम कोर्ट अपनी बातें रख रही है, अपना फैसला रख रही है, साथ ही ममता उसका मतलब समझा रही है और काउंटर कर रही है, क्रॉस क्वेश्चन भी कर रही है। सीबीआई राजीव कुमार को गिरफ्तार नहीं करने वाली, इस पर ममता बनर्जी कह रही हैं कि ये हमारी नैतिक जीत है। राजीव कुमार से पूछताछ से राज्य सरकार को क्या दिक्कत है, ये बड़ा सवाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एफआईआर में राजीव कुमार का नाम नहीं है, ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है। और इस समय मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगा है, जिस वजह से वो धरने पर बैठी थी उस वजह में तो वो कामयाब हो नहीं पाई, क्योंकि अब सीबीआई के सामने पेश होना ही पड़ेगा राजीव कुमार को शिलांग में। देखिए, जाहिर तौर पर अब उन्हें पुलिस कमिश्नर को सीबीआई के सामने पेश होना ही पड़ेगा, साथ ही जांच में सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि जो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है उसमें सीबीआई ने यह कहा है कि कई सारे ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो अभी भी राजीव कुमार के पास है, और जब वो एसआईटी के हेड थे उस समय वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने अपने पास संभाल के रखे हुए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश था 2014 में कि सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे, सारे सबूत होंगे, वो जो एसआईटी होगी वो सीबीआई को हैंडओवर करेगी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ है। तो वो आखिर कौन से सबूत हैं? वो सारे सबूत अब पुलिस कमिश्नर से सीबीआई लेगी, और उसके बाद देखना दिलचस्प होगा कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक तरफ कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है, दूसरी तरफ आके सीबीआई ये भी कोर्ट में कहेगी कि इनके पास और भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं वो अभी नहीं दे रहे हैं। तो ये तमाम जो सारी चीजें हैं वो आने वाले समय में आएंगी, लेकिन एक बड़ी राहत सीबीआई को, हालांकि ममता बनर्जी सरकार कह रही है कि उन्हें राहत मिली है, राहत केवल इतनी। ये आशीष, कहां से ममता की नैतिक जीत ये कहां से बनती हुई नजर आती है ममता को? क्योंकि जिस वजह से वो धरने पर बैठी हुई थी, वो कह रही थी कि बिना वारंट, बिना किसी नोटिस के कैसे उनसे पूछताछ की जा सकती है। लीजिए, अब सबूत भी पेश कर दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ भी गया जवाब कि अब भाई पूछताछ में सहयोग करें राजीव कुमार, और अब शिलांग में पूछताछ भी होने वाली है। तो कहां से ममता की नैतिक जीत बन जाती है? निधि, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि इंडिया न्यूज के पास सुप्रीम कोर्ट के आदेश की एक्सक्लूसिव कॉपी है। ये वो आदेश है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि हैविंग हर्ड लर्नेड काउंसिल फॉर द ऑल द पार्टीज, वी डायरेक्ट राजीव कुमार कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता टू अपियर, मेक हिमसेल्फ अवेलेबल बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी नेमली सीबीआई, एंड टू फेथफुली कॉपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट ऑल टाइम। जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार को सीबीआई के सामने न सिर्फ पेश होने के लिए कहा है, बल्कि यह भी कहा है कि वो कॉपरेट करेंगे, और जब भी सीबीआई उन्हें पूछताछ के लिए बुलाएगी वो उनके सामने आएंगे। क्योंकि आखिरी लाइन ये कह रही है कि फेथफुली कॉपरेट विथ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एट ऑल टाइम, यानी जब भी एजेंसी उन्हें बुलाएगी वो आएंगे। उसके बाद कोर्ट अपने आदेश में लिखता है
कि हाउ एवर वी मेक इट क्लियर दैट नो कोर्सिव स्टेप इंक्लूडिंग अरेस्ट शैल बी टेकन अगेंस्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस। जिसका मतलब साफ है कि जो पुलिस कमिश्नर है उनके खिलाफ कोई भी कोर्सिव एक्शन नहीं होगा, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि वी डायरेक्ट द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट ऑफ द वेस्ट बंगाल, द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द कमिश्नर ऑफ पुलिस कोलकाता टू फाइल देयर रिप्लाइज टू द स्टेटमेंट मेड इन द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन और बिफोर 18 फरवरी 2019। यानी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, पश्चिम बंगाल के डीजीपी और कोलकाता के जो पुलिस कमिश्नर है वो 18 तारीख तक या 18 तारीख से पहले अपना जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर देंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है कि वी फर्दर मेक इट क्लियर दैट ऑन कंडीशनल ऑफ द रिप्लाई ऑफ द अफोरसेड डीज अथॉरिटीज द कोर्ट मे रिक्वायर द पर्सनल अपीयरेंस ऑफ द सेड ऑफिसर ऑन द 22-2019 which if required would be intimated in the office concerned by the secretary general of the court on 19-2-29। जिसका मतलब कोर्ट ये कहना चाह रहा है, कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि 18 तारीख तक जो जवाब ये तीनों दाखिल करेंगे, यानी पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और पुलिस कमिश्नर, उसके आधार पर कोर्ट ये तय करेगा कि 20 तारीख को जो सुनवाई होनी है उसमें इनको व्यक्तिगत तौर पर पेश होना है या नहीं। बिल्कुल, यही तो अहम बात है यहाँ पर आशीष, कि कोर्ट जो अब बातें रख रहा है सामने, कोर्ट ने जब अपना फैसला सुनाया उससे पहले यही बात सब बोल रहे थे कि आखिर पूछताछ से दिक्कत हो क्या सकती है, पूछताछ में पेशी से उनको दिक्कत कहाँ है, सिर्फ पूछा ही तो जाएगा, उसके ऊपर इतना बवाल करने की क्या जरूरत है। मेरा सवाल आपसे यह है, 20 तारीख को अब इस पर सुनवाई होनी है, शिलोंग में पूछताछ होनी है, पूछताछ में क्या कुछ अहम बातें पूछी जा सकती है और कितनी बार पूछताछ हो सकती है, क्या इस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए कंचन, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे ये कहा है कि जब भी जांच एजेंसी को जरूरत होगी वो पूछताछ करेंगे। सबसे अहम बात है जो सीबीआई ने जो एफिडेविट आज सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है और जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी इंडिया न्यूज के पास है, उसमें एक सीरियल ऑफ जो एलिगेशन है वो सीबीआई ने राजीव कुमार जो पुलिस कमिश्नर है कोलकाता के उनके ऊपर लगाए हैं। पहला एलिगेशन कि जब वो एसआईटी के हेड थे तो उन्होंने कई कंपनियां जो वर्तमान सरकार यानी टीएमसी को जो चंदा दे रही थी उनको बचाने की कोशिश की। दूसरा, जो कॉल डिटेल सीबीआई को प्रोवाइड कराई गई थी उसमें से कई नामों को डिलीट कर दिया गया। तीसरा, जो एविडेंस सीबीआई को दिए गए वो भी आधे अधूरे दिए गए। चौथा, जो कई सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है और इसके अलावा रिटेन एविडेंस है जो इस समय कोलकाता के पुलिस कमिश्नर के पास है। पांचवा, जो कोलकाता का पुलिस कमिश्नर का जो ऑफिस है पुलिस का, वहां पर ये सारे डॉक्यूमेंट रखे हुए हैं। तो जो सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीबीआई इनसे बरामद करने की कोशिश करेगी। और अब राजीव कुमार को ये बताना पड़ेगा कि जो कॉल डिटेल उन्होंने दी क्या उसमें उन्होंने टेम्पर किया कि नहीं किया। बिल्कुल आशीष, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब सीबीआई जानना चाहेगी और यही बात तो कही जा रही थी सरकार की तरफ से थी, कहीं यही वजह तो नहीं है ममता के धरना देने की कि जो अब आंच जो है जांच की वो कहीं राजीव कुमार से आगे बढ़ते बढ़ते सीएम ममता बैनर्जी तक ना पहुंच जाए, इसी वजह से धरना वो दे रही थी। बहरहाल आगे बढ़ते हुए अपने दर्शकों को बता दें कि सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने मनोज झा से बात की है, आइए सुनते हैं। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद मनोज झा। मनोज जी, आपने नोटिस किया, क्या है नोटिस? कोलकाता में हो रहा और जो आईआरसीटीसी में हो, जिसको हम लगातार कह रहे हैं, अगर ये एजेंसी वेंडेटा पॉलिटिक्स की पर्यायवाची हो जाएगी कोई नहीं बचेगा, कोई संस्था नहीं बचेगी, हाहाकार मच जाएगा। और मैं तो इनको भी आगाह कर रहा हूँ जो आज सत्ता प्रतिष्ठान पे, कल को आप नहीं होंगे, लेकिन अगर इन एजेंसीज का ये चरित्र हो गया ना, आप में से कौन जेल जाएगा आपको पता नहीं। नोटिस में क्या है? नोटिस में सीधे तौर पर हमने कार्यालय को कहा, उन्होंने प्रस्ताव दिया है एडजमेंट, ताकि सबसे पहले ये जो हाहाकार मचा हुआ है इस पर चर्चा हो, इसके अलावा कोई भी चर्चा बेमानी। संस्थाओं को लेकर दिया आपने? तमाम संस्थाओं को लेकर दिया। आप एक एक संस्था ले लीजिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ले लीजिए, यूनिवर्सिटी सिस्टम ले लीजिए, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के माध्यम से उनको शिखंडी बना करके जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है हमारे देश के लिए, यहाँ की जमहूरियत के लिए। और मेरे सहयोगी सुमित जुड़ गए हैं इस समय हमारे साथ कोलकाता से, जहां पर धरना ममता बनर्जी दे रही थी, उनसे बात कर लेते हैं। सुमित, इस समय क्या चल रहा है वहां पर, क्या अपडेट है आपके पास?
आदेश आया, उसके बाद ममता ने यहां अपने लोगों को संबोधित किया। और तो सुमित से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं उस समय की जब ममता बनर्जी जो थी मंच पर मौजूद थी, धरना प्रदर्शन उनका लगातार चल रहा था, दो दिन से पूरा का पूरा ये ड्रामा चल रहा है। आपको बताएं कि सीबीआई जब पहुंचती है कोलकाता के कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ के लिए तो उनको गिरफ्तार कर लेती है कोलकाता की पुलिस, और उसके बाद सीबीआई वर्सेस कोलकाता पुलिस जो ये चल रहा था, अब उस पर फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आ चुका है। राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश हो, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। ममता इसे अपनी नैतिक जीत बता रही हैं। ममता का जवाब आपके सामने है, हमारी नैतिक जीत है, लेकिन सीबीआई को राजीव कुमार जो सीबीआई के सामने पेश होने वाले हैं उनसे कई अहम सवाल पूछे जाने वाले हैं। राजीव कुमार से पूछताछ में राज्य सरकार को क्या परेशानी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा। हमने पूछताछ के लिए कभी मना किया ही नहीं, ये ममता बनर्जी का जवाब है। सीबीआई के सामने पूछताछ से दिक्कत कहां आ रही थी, ये एक जनरल सा सवाल था, आम सवाल था जिसका जवाब मांगा गया, और यही सवाल अब सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ममता से, लेकिन उनका जवाब कि हमने उनको सीबीआई के सामने कभी पेश होने से रोका ही नहीं। लेकिन ये धरना जो ममता बनर्जी ने दिया, ये कई सवाल अपने आप में खड़े करता है। क्या ममता बनर्जी अपनी तरफ से शक्ति प्रदर्शन कर रही थी जिसमें वो अपने आप को मोदी के सामने दावेदार बना रही थी, 24 विपक्षी पार्टियों का समर्थन उनको है, ये बात खुलकर वो कह चुकी हैं। इससे पहले उन्होंने कहा कि इस तरह से सीबीआई ने पहले भी उनके तमाम नेताओं को, मंत्रियों को हिरासत में लिया, पूछताछ की, लेकिन हमने कुछ नहीं कहा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, खुद धरना देने के लिए बैठ गई। ऐसे में विपक्ष ने सवाल उठाया कि जब आपने पीछे किसी नेता को लेकर, मंत्री को लेकर आवाज नहीं उठाई, धरने पर नहीं बैठी, तो फिर राजीव कुमार को लेकर आप धरने पर क्यों बैठी, ऐसी क्या वजह है। बड़ी अपडेट आपके सामने है, अब सीबीआई के सामने पेश होंगे शिलांग में कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगा है बड़ा झटका। सीबीआई की दलील और कोर्ट के फैसले को आप जानना चाहते हैं तो देखिए, हम आपको समझा रहे हैं यहां पर क्या कुछ हुआ है। अब तक कोर्ट के आदेश को नहीं माना गया, सीबीआई की तरफ से कहा गया चीफ जस्टिस, डीजीपी, कमिश्नर और मुख्य सचिव दायरे में ला रहे हैं। अब इस समय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपीयर होना होगा सीबीआई के सामने, और कलकत्ता में नहीं शिलांग में अपीयर होना होगा। ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश माननीय उच्चतम न्यायालय, ताकि इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए। दूसरी बड़ी बात हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने वहां के वरीय पदाधिकारियों के खिलाफ कंटेंट में भी नोटिस किया है, और उनके जवाब के बाद आगे की कार्रवाई की चिंता की जाएगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारी जीत है, इस पर हमें क्या कहना है। बड़ा सवाल यह है कि 3 साल से राजीव कुमार क्यों नहीं पेश हो रहे थे, वो कौन सी ताकतें थी जो पुलिस कमिश्नर को पेश होने से रोक रही थी। जानते हैं या एविडेंस को मैनिपुलेट और डिस्ट्रॉय किया गया, तो अब वो आएंगे, जांच ईमानदारी से हो बड़ी बात है, होना भी चाहिए। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को आप सुन रहे थे, कोलकाता में पूछताछ नहीं होगी, शिलांग में होगी पूछताछ कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से। ऐसे में बड़ा सवाल ये बनता है कि आखिर जीत हुई किसकी, सीबीआई की जीत हुई। मेरे सहयोगी आशीष सिन्हा जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर और जानकारी के साथ। आशीष, यहां पर जीत आखिर मानी किसकी जाए, सीबीआई की मानी जाए जो 3 साल से पूछताछ के लिए बोल रही है और राजीव कुमार यहां पर उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं, ममता बनर्जी की मानी जाए जो विरोध प्रदर्शन तो कर रही थी लेकिन अब बात उनकी खटाई में पड़ती हुई नजर आई, उनको बैकफुट पे आना ही पड़ा, पूछताछ राजीव कुमार से की ही जाने वाली है, या फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात मानी जाए और उनकी जीत मानी जाए, यहां पर जीत किसकी होती हुई नजर आ रही है आपको, क्योंकि सब अपनी ही जीत का ठीकरा फोड़ रहे हैं। देखिए कंचन, सब सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रहे हैं। ममता बनर्जी इस बात पर पीठ थपथपा रही हैं कि जो राजीव कुमार हैं वो गिरफ्तार नहीं होंगे, उनको डिटेन नहीं किया जाएगा,
तो सीबीआई इस बात पर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उन्होंने जो अर्जी लगाई थी उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सबसे अहम बात मैं कंचन ये बताना चाहूंगा, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की एक्सक्लूसिव कॉपी है इंडिया न्यूज के पास, उसमें सुप्रीम कोर्ट अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है टू अवॉइड ऑल अननेसेसरी कंट्रोवर्सी वी डायरेक्ट द कमिश्नर ऑफ पुलिस टू अपियर बिफोर द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी इन शिलोंग मेघालय ऑन सच डेज एज पर फिक्स। जिसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी अननेसेसरी के विवाद को देखते हुए हम मतलब विवाद में ना जाते हुए हम जो राजीव कुमार हैं जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको शिलोंग में पेश होने के लिए जांच एजेंसी के सामने कह रहे हैं और जब भी डेट फिक्स हो यानी तारीख सीबीआई फिक्स करेगी, जाना राजीव कुमार को है और जगह जो है वो शिलोंग है। बिल्कुल जगह शिलोंग है, जितनी बार पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा राजीव कुमार को यहां पर पूछताछ में पूरी तरह से सहयोग करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है। आशीष मेरा सवाल यहां पर एक बहुत ही साधारण सा है जिसको लेकर जो है मोदी सरकार आप कह लीजिए ममता बनर्जी के ऊपर कटाक्ष कर रही थी कि ये जो पूरा मामला है इसमें कहीं ना कहीं जांच के दायरे में ममता बनर्जी ना आ जाए इसीलिए वो धरना प्रदर्शन कर रही है। अब तो उनको हार खानी पड़ी है, ममता बनर्जी को तगड़ा झटका लगा है, तो क्या समझा जाए यहां पर? अब कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी अपने अंदर एक डर लेके बैठी रहेंगी कि अगर पूछताछ होती है कहीं आज उन तक ना पहुंच जाए। अब देखिए जाहिर तौर पर अब जो सब कुछ डिपेंड करता है कि आखिर राजीव कुमार के पास ऐसे सबूत क्या है कि जिनको लेकर पूरी सरकार उनके समर्थन में खड़ी हो गई। ये बेहद अहम है क्योंकि जिस तरह के आरोप सीबीआई ने अपने हलफनामे में लगाए हैं कि जब एसआईटी के हेड थे पुलिस कमिश्नर उस समय उन्होंने कई कंपनियों को शील्ड किया यानी बचाया जिन कंपनियों ने टीएमसी को पैसा दिया था, ये एक बड़ा आरोप है। दूसरा जो कॉल डिटेल है कई नाम उनसे हटाए गए। तीसरा जो सबूत है उन्हें नष्ट किए गए। लेकिन सीबीआई ने अपनी एप्लीकेशन में यह भी कहा है कि कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, कई ऐसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं जो अभी भी पुलिस कमिश्नर के पास है और वो उन्हें चाहिए। तो सब कुछ निर्भर करता है कि आखिर वो डॉक्यूमेंट्स क्या है और उनमें ऐसा क्या है कि जो सीबीआई चाहती है और कहीं ना कहीं राज्य सरकार उसे बचाना चाहती है, वो नहीं चाहती कि सीबीआई को ये हैंडओवर किया जाए, ये सीबीआई की तरफ से कहना है। बिल्कुल, क्या माने अब इस पर आशीष, क्या अगला कदम ममता बनर्जी यहां पर उठा सकते हैं? क्योंकि एक बड़ा हथकंडा जो उन्होंने अपनाया धरना प्रदर्शन का वो तो फेल साबित हो गया, उसमें तो उनको सक्सेस हाथ नहीं मिली, मिशन उनका पॉसिबल हो गया, आगे उनकी तरफ से क्या कदम उठाए जाएंगे अब? क्योंकि माना वो नैतिक जी से भले ही बता रही हूं। देखिए ममता बनर्जी की तरफ से सबसे पहले अपने सरकार के जो तीन अहम जो लोग हैं उनको बचाने की कोशिश की जाएगी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से, क्योंकि मुख्य सचिव डीजीपी और पुलिस कमिश्नर तीनों को ही सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस इश्यू किया है और पूछा है कि क्यों ना आपके खिलाफ कोर्ट की अवमानना के तहत मुकदमा चलाया जाए। क्योंकि जो तस्वीरें हमने देखी दो दिन पहले उसमें साफ तौर पे यह लग रहा था कि जो पुलिस है वो सीबीआई के काम में बाधक बन रही है। तो सबसे अहम सवाल यही होगा और उसका जवाब भी ममता सरकार को देना पड़ेगा और ये कोर्ट को बताने की कोशिश करनी पड़ेगी कि हमने कहीं भी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वायलेशन नहीं किया, हमने कभी भी सीबीआई की जांच में किसी तरह का व्यवधान पैदा नहीं किया। आशीष बने रहिए आप, मैं लौटूंगी आपके पास। और अपने दर्शकों को यहां बता दें कि सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ने बात की है राकेश सिन्हा से, क्या कुछ कह रहे हैं वो आइए सुनते हैं। हमारे साथ बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा साहब है। राकेश सिन्हा साहब, सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया जिसमें साफ तौर पर कहा है कि राजीव कुमार सीबीआई के सामने पेश। ममता बनर्जी के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा तमाचा है, जिस बात को लेकर वो तमाशा करने आई थी कि सीबीआई सभी चीजों को ताक पर रखकर राज्य में आई थी वो गलत साबित हुआ। राजीव कुमार पर जो आरोप है उसके लिए सीबीआई को पूछताछ की अनुमति सर्वोच्च न्यायालय ने दी है, साथ साथ राज्य पर कंटेंट का नोटिस भेजा है। एक बात जाहिर हो गया है कि ममता बनर्जी और उनके समर्थन में राहुल गांधी तेजस्वी यादव जो काम कर रहे थे वो सिर्फ भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने के लिए कर रहे थे। और अंग्रेजी में कहावत है बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, वही हमें कलकत्ता में दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, साफ तौर पर आपको लगता है कि जिस तरह से सर्वोच्च न्यायालय के जो फैसले हैं उसके बाद अब उन्हें धरना वापस लेना चाहिए? यदि उनमें थोड़ी भी नैतिकता है तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए।
देश की जनता देख रही है कि किसी भ्रष्ट अधिकारी के समर्थन में, जिसमें भ्रष्टाचार का आरोप है, सीबीआई यूं ही राजीव कुमार के घर पे ब्रेकफास्ट करने नहीं जा रही थी। सीबीआई के पास पुख्ता सबूत है, उस सबूत के को पुष्ट करने के लिए सीबीआई वहां जा रही थी। ममता बनर्जी राजीव कुमार के घर पहुंच गई तो ममता बनर्जी तो बताएं कि मुख्यमंत्री होकर डीजीपी के घर जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई थी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार कोई मुख्यमंत्री सुख दुख को छोड़कर एक अपवाद स्वरूप स्थिति में पुलिस कमिश्नर के घर जा रही है। यह दुर्भाग्य की स्थिति है और मुझे लगता है या तो ममता इस्तीफा दें, और यदि उन्होंने अपनी इन हरकतों को बंद नहीं किया तो पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। गंगा के साथ राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज, दिल्ली। तो लीजिए, राकेश सिन्हा को आप सुन रहे थे जो ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं अगर ऐसा नहीं होता तो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर देना चाहिए। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपनी नैतिक जीत बता रही हैं। छोटे से